कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में घरों में कैद लोगों ने अपने अपने तरीकों से समय व्यतीत किया, तो कुछ ने अपनी कला को निखारा। राजसमंद के रहने वाले भावेश चौहान ने पेंसिल पर सर्जिकल नाइफ की मदद से पेंसिल कार्विंग कला को विकसित किया है। यह युवक अपने पिता नरेंद्र चौहान के सहयोग से हालात के अनुसार नई कलाकृतियाँ बनाते हैं। इस लॉकडाउन के इन्होंने दौरान चिकित्सा कर्मियों की सेवाओं के धन्यवाद देने के लिए भी नई नई कलाकृतियाँ बनाई हैं। इस दौरान इन्होंने शिवलिंग, मदर्स डे एवं माँ बेटे की मूर्ति, भारत का मानचित्र, ऐसी तस्वीरें पेंसिल की नोक पर उकेरी हैं। भावेश का सपना है कि इस कला को वे प्रदर्शनी में रखें ताकि लोगों को पता चले, जबकि भावेश के पिता नरेंद्र चौहान चाहते हैं कि कला जिले के हर बच्चा सीखे और भविष्य में इस कला को विकसित कर व्यावसायिक रूप दें। इसकी बहन पेशे से डॉक्टर हैं, जो इन्होंने नए नए आर्ट बनाने के लिए आइडिया देने का काम करती हैं। भावेश बताते हैं कि इन्हें स्कूल के समय से ऐसा करने में रुचि थी, लेकिन जानकारी के अभाव से यह नहीं कर पाते थे, लेकिन अब बखूबी से शुरू कर लिया है। जी, इसको पेंसिल कार्विंग बोलते हैं और मैं लमसम 2 साल से इसे कर रहा हूँ। जब मैं स्कूल में लास्ट 12th क्लास में था, जब आइडिया आया था, तो उसके बाद मैंने सर्च किया इंटरनेट पे और उससे फिर थोड़ा सीखने को मिला। इसमें सिर्फ एक सर्जिकल नाइफ काम आता है, तो सिर्फ उसी से काम होता है। अभी तक लमसम मैं 30 से ऊपर पेंसिल बना चुका हूँ, जिसमें एक को बनाने में 10 से 12 घंटे समय लग सकता है उसको। मतलब मैं जैसे स्टेथोस्कोप है डॉक्टरों के लिए, अभी लॉकडाउन में निक बनाया था, एक इंडिया का मैप बनाया, एक माँ और बेटे का स्कल्पचर बनाया, शिवलिंग, गणेश जी, स्कल, त्रिशूल और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई। पहले पहले थोड़ा डांटा था, पर डांट के साथ साथ कभी यूँ नहीं कहा कि मत कर, इसे सपोर्ट पूरा किया हमेशा, जो भी चीज़ चाहिए वो लाके दी और उसके लिए कभी मना नहीं किया। आगे मैं इसको सोच रहा हूँ थोड़ा और इसमें परफेक्ट होने के बाद इसको आर्ट एग्जीबिशन में लगाना, फिर इसमें अपना मतलब पूरा इसी में करियर बनाना चाहता हूँ। नए नए आइडियाज़ मैं नॉर्मल ज़िंदगी से ही लेता हूँ। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था, डॉक्टर्स हमारे लिए इतना काम कर रहे, तो उनके लिए मैंने एक एज ए थैंक यू के तौर पर स्टेथोस्कोप बना दिया। अभी मदर्स डे आया था कुछ दिन पहले, तो उस लिए मैंने माँ और बेटे का एक स्कल्पचर बना दिया इस तरह से। ये सर आर्ट बनाने के बाद हमको बताता था कि मैंने ये बनाया, और इसने कोई भी चीज़ मांगता इसको लिए हम कॉपरेट करते थे, कोई मना नहीं करता था, जब हमको बहुत खुशी होती थी। मैं चाहूँगा कि इसको मैं एग्जीबिशन में भेजूँ, और यहाँ तक भी इसको बाहर भी मुझे भेजने का भी मौका मिल गया तो मैं ज़रूर भेजूँगा इसको। अभी सर मैं तो प्राइवेट टीचर हूँ, मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर है, और मेरी गुड़िया डॉक्टर बन चुकी है MBBS, तो और अब PG में सिलेक्शन हुआ है। हाँ, मुझे खुशी होगी कि भाई अपना राजसमंद का ये बंदा कोई और सीखे तो मुझे अच्छा लगेगा बहुत। प्रोफेशनल लाइफ में इसलिए मैं ये एक बार BTech की डिग्री कर ले रहे, और ये साथ साथ में इसका ये चल रहा है, और इसका कहीं भी एग्जीबिशन में आएगा ज़रूर इसको साथ ले जाऊँगा, और इसका एग्जीबिशन में